नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और INN24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ कुराड़ी से प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और देश के लिए कोई ना कोई सेवा करते रहें। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान। स्वागत है आपका INN24 पर। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के शुभारंभ पर आप सभी दर्शकों को INN24 परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। नववर्ष का शहर में हुआ भव्य आगाज, हिंदू क्रांति सेना ने निकाली शोभा यात्रा, युवाओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। साइबर क्राइम से निपटने के लिए कोरबा पुलिस की कवायद तेज, जिला स्तरीय सेमिनार में जानी साइबर क्राइम की बारीकियां, साइबर एक्सपर्ट मनोज दुबे रहे मौजूद। जांजगीर पुलिस के हाथ लगी फिर बड़ी कामयाबी, सेमरा के मेडिकल स्टोर से 40,000 की कीमती नशीली दवाएं जब्त, दुकान का मालिक और नौकर हिरासत में। और चांपा में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां पूरी, माता के मंदिरों में जगमगाई आस्था की ज्योति, दर्शन के लिए पहले ही दिन मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। जिले में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में हुई बढ़ोतरी के बाद गंभीर पुलिस विभाग ने पुलिस लाइन में साइबर अपराध एवं अन्वेषण से जुड़ी बारीकियों को समझने के लिए जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया। पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध की बारीकियां और इसकी विवेचना से जुड़े तरीकों के बारे में बताया गया। अधिकारियों के बीच साइबर एक्सपर्ट मनोज दुबे भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस तरह के अपराध के नियंत्रण में अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। उनके अलावा SP मयंक श्रीवास्तव ने अधिकारियों के बीच पूर्व में सुलझाए गए साइबर मामलों का जिक्र करते हुए बताया कि इस तरह के जटिल मामलों की विवेचना पूरी सावधानी के साथ की जानी चाहिए। सभी तरह के तथ्य और सबूतों के विश्लेषण के आधार पर साइबर क्राइम को सुलझाने के साथ ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के विस्तार पर जोर देते हुए उन्होंने थाना प्रभारियों को लगातार सोशल मीडिया में सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए। भारत देश के कई सारे राज्यों में पुलिस को हमेशा सहयोग देते आए हैं और आपके एक्सपर्टीज जो आपका आपका जो विशेषज्ञता है वो मोबाइल और उससे जुड़ी चीजों में है और इन्होंने मतलब ऐसा कोई क्वालिफिकेशन ना हो तो भी एक अपने उम्र से चीजों को सीखा और अपनी कंपनी बनाई और अभी स्थिति यह है कि एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं थ्रू आउट इंडिया। आपने अभी देखा भी कि कितने राज्यों में इनके लेक्चर हो चुके हैं और अभी ये हमारे पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में वहाँ पे भी लेक्चर दे करके आए। जब दुर्ग में पदस्थ था तो एक डिफिकल्ट केस था, उस दौरान हम लोग पहली बार एक दूसरे से परीक्षण में आए थे और इनका जो जो इन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है इनकी कंपनी ने, आपके इंजीनियर भी साथ में ही रहते हैं, उज्जैन लोगों की तरह हमेशा साथ ही दिखते हैं दोनों ने, तो इनका सॉफ्टवेयर बहुत यूजर फ्रेंडली है। गर्मी का मौसम अभी परवान चढ़ ही रहा था, बावजूद इसके पहले आग लगने की घटनाएं हर दिन सामने आ रही हैं। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के पुराने मरचूरी के पास मौजूद झाड़ियों में एकाएक आग की तेज लपटें उठने लगी, जिसने देखते ही देखते वहां आसपास के सभी सूखे पत्ते और झाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना जिला अस्पताल के स्टाफ के दामोदर ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इस दौरान आग की लपटें नर्सिंग स्टाफ परिसर की ओर बढ़ने लगी थी। सूचना दिए जाने के आधे घंटे बाद भी जब दमकल की वाहन नहीं पहुंची तो अस्पताल के अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल के स्टाफ के दामोदर और दूसरे कर्मियों ने आग पर कुछ हद तक काबू पाया। वहीं देर से पहुंची दमकल की टीम ने भी आग बुझाने की कोशिश शुरू की, तब जाकर आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। गौर करने वाली बात है कि इलाके में आगजनी की यह 2 महीने के भीतर तीसरी घटना है। इसके पहले इंजीनियरिंग कॉलेज और रिश्ती के पास भी सूखी झाड़ियों में आग लग चुकी है। भैया अचानक पीछे आए थे अपन, देखिए धुआं उड़ रहा था, तो ये पुराना मर्चुरी है और जस्ट बाजू में ट्रांसफार्मर है और साहब लोग का घर भी है, तो आग लग चुकी पहले, लेकिन वन विभाग में लगा था उस तरफ फर्टिलाइजर तरफ, और
काफ़ी देर बाद इस तरफ अचानक फिर आ गया। देखे उसको बुझाने के लिए पहले कंट्रोल रूम को फ़ोन किया हूँ, फायर ब्रिगेड आ रहा करके बताया है, लेकिन अभी यहाँ सीज फायर लेके हम लोग खड़े हैं। हम लोगों को जिला चिकित्सालय के पीछे जंगल झाड़ियों में आग लगने की सूचना मिली थी, जहाँ पर तत्काल आकर के यहाँ पर आग पर नियंत्रण किए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाया गया था लगता है। कोई जनहानि अभी तक नहीं? नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ पे पानी डाले हैं फिलहाल, झाड़ियों की आग थी तो मरचूरी के ऊपर लगी हुई थी, घास जमी हुई है ऊपर में, उसको भी बुझाए हैं। फोम डीसीपी और डाई केमिकल पाउडर और फोम वोम का उपयोग नहीं किए हैं। फोम का उपयोग क्या है, तेल वेल की आग के लिए स्पेशल किया जाता है, और जहाँ पे जैसे कि केमिकल्स वगैरह हैं वहाँ पे किए जाते हैं केमिस्ट, और डीसीपी पाउडर का उपयोग भी उसी प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे अभी दादर में लगी हुई थी, खरमोरा के आसपास में बांसवाड़ियों में, वहाँ से तत्काल वापस आए हैं। यहाँ स्थिति क्या थी वहाँ? वहाँ भयानक आग लगी हुई है, लगभग जंगल जल ही रहा। चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ अंचल के देवी मंदिरों में आस्था के दीप जगमगाने लगे हैं। भक्ति का सैलाब भी मंदिरों में पहले दिन ही उमड़ा, श्रद्धालुओं की भीड़ देवी मंदिरों में दिखी, जगह जगह कलश यात्रा भी निकली। माँ चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर, अष्टभुजी मंदिर अड़भार, महामाया मंदिर हरदी, अन्नाधरी मंदिर, सरे श्रृंगार मंदिर, देवी दाई मंदिर जांजगीर, मनका माई मंदिर खोखरा, समलेश्वरी मंदिर चापा में भक्तों की अपार भीड़ देखी गई। चापा जमींदारी की कुल देवी मां समलेश्वरी के दरबार में जमींदार परिवार के कुंवर भिवेंद्र बहादुर सिंह ने सप्तनिक पूजा की। मंदिर में नवरात्र आरंभ के साथ देवी भगवत का आगाज भी हुआ। बता, पूर्ण रूप से पहले संबलपुर राजघराने के अंतर्गत आता था, वहाँ राजाओं के साथ युद्ध के साथ में यहाँ की जमींदारी की सहभागिता रही, और उस संग्राम में विजय पाने के पश्चात संबलपुर के राजा के द्वारा चांपा जमींदारी को भेंट स्वरूप ये माँ समलेश्वरी की मूर्ति दी गई, और उनके द्वारा ये माँ समलेश्वरी की मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई। उसके बाद से स्थापना दिवस से लगातार चांपा जमींदारी की ओर से पूजन पठन अनुष्ठान यज्ञ का कार्य संपादित किया जा रहा था। समयानुसार धीरे 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 करके इसका आकार बढ़ता गया। उसके बाद आज वर्तमान में लगातार 1971 से लेकर आज तक निरंतर देवी भागवत का कार्यक्रम चैत्र वासंती नवरात्र में संपन्न होता है। कुवार नवरात्रि में पूजन यज्ञ अनुष्ठान मनोविलसित फल की प्राप्ति हेतु दीप प्रज्वलित की जाती है, जिसकी संख्या हजारों में है। आसपास के क्षेत्रों में कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला है कि इतने बृहद रूप से ज्योति का विसर्जन कार्यक्रम होता है। वर्तमान में 301 ज्योति विसर्जन का कार्यक्रम चैत्र उसमें कुवार नवरात्रि में की जाती है। संजय देवांगन है, मैं बचपन में यहाँ माँ समलेश्वरी मंदिर वहाँ से दर्शन कर जो भी मनोकामना हवा एक का जो कोई भी मांगते मन्नत वो सब पूर्ण हो जाती है, और आज तक ऐसे कोई नहीं है जेकर मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ है। और निरंतर गुरु पर्व में जो ज्योति कलश जमारा कलश जो दोनों जलते अपन मन की मनोकामना हो पूर्ण हो। वैसे समलेश्वरी मंदिर का निर्माण आज से करीबन 260 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कराया गया हमारे कुटुंब के द्वारा, और तब से आज पर्यंत जांजगीर पुलिस अब पूरी तरह से नशीले दवाओं के कारोबार की रोकथाम के लिए गंभीर हो गई है। लगातार छापेमारी के बाद जिले में नशे के सौदागर सकते में हैं। नशीली दवाओं का यह कारोबार इतना बढ़ा है कि पुलिस के हाथ हर दिन कामयाबी लग रही है। कल सक्ती में कार्रवाई के बाद आज नवागढ़ थाना अंतर्गत सेमरा गांव के एक मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का पूरा जखीरा बरामद हुआ है। मामले में दुकान संचालक को हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच के द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच के प्रभारी विजय चौधरी को मुखबिर से नशीले दवाओं के संबंध में एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी नीथू कमल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशन पर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम मौके के लिए रवाना की गई, जहां के जयपाल मेडिकल स्टोर में दबिश देकर संचालक अमित सिंह, पिता जयपाल सिंह, अपने दुकान के नौकर भीम प्रसाद के सहयोग से इलाके में ग्राहकों को नशीली दवाओं की आपूर्ति कराता था। छानबीन में स्टोर से 240 नग और 352 पत्ता अलग अलग तरह की दवाइयां जब्त की गईं। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 21 बी एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि प्रारंभ के मौके पर बालकों के हिंदुवादी संगठनों द्वारा हनुमान मंदिर से कोसाबाड़ी निहारिका होते हुए सीएसबी चौक तक भव्य शोभा यात्रा के रूप में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद और भाजपा नेता हितानंद अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने नववर्ष के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए अपने साथियों के साथ पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा की अगुवाई की। उनके साथ सुमित, अंकित, अभिलाष और राजू के अलावा बड़ी संख्या में युवा हाथ में भगवा ध्वज थामे जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। नगर पालिक निगम कोरबा, सबसे पहले तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को, हमारे सारे युवा साथियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। आज हिंदू नववर्ष का शुभारंभ है, नवरात्रि का आज प्रथम दिन है और इस पावन पर्व पर समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई के साथ हमारे जितने भी युवा साथी हैं समस्त लोग यहां पे हनुमान मंदिर चौक के पास एकत्रित हुए हैं और यहां से शोभा यात्रा निकल के कोरबा जाएगी। कोरबा में कोसाबाड़ी से निहारिका होते हुए सीएसबी तक शोभा यात्रा को जाना है और हमारे सुमित तिवारी जी, अंकित भाई, हमारे अविनाश भाई, हमारे राजू भाई, हमारे जितने भी युवा साथी हैं सभी बढ़ चढ़ के आज इस यात्रा में, शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं और आप देख रहे हैं किस प्रकार से उत्साह का वातावरण है। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में लागू संवैधानिक प्रावधानों को प्रचारित करने एवं अनुसूचित वर्ग के संरक्षण के प्रति जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से ओड़गी विकासखंड के ग्रामपाल दनौली में लगाए गए सूचना पटल को वन मंडलाधिकारी के द्वारा नियमों की अनदेखी कर हटा देने से आक्रोशित गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने शनिवार को जिला मुख्यालय में रैली निकाल कर जंगी प्रदर्शन किया और वन मंडल कार्यालय का घेराव कर डीएफओ के विरुद्ध देशद्रोह का अपराध दर्ज करने की मांग। पूर्व प्रस्तावित आंदोलन के तहत गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के संभागीय अध्यक्ष जयनाथ सिंह केराम के नेतृत्व में आयोजित इस रैली व प्रदर्शन का शुभारंभ देवीपुर महामाया मंदिर से किया गया। देवीपुर से सूरजपुर पहुंची विशाल रैली में 100 से अधिक चार पहिया और इतनी ही दुपहिया वाहनों का काफिला था, जो नगर के सभी प्रमुख मार्गों में भ्रमण उपरांत वन मंडलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जहां जंगी प्रदर्शन करते हुए धरना देकर आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में गुंगप्पा प्रमुख जयनाथ सिंह केराम ने संविधान रचित सूचना पटल का अपमान कर कचरे के ढेर में फेंक देने का आरोप लगाते हुए डीएफओ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। असल में वन मंडलाधिकारी एक शिलालेख, जो संवैधानिक शिलालेख को उन्होंने जो है विधि विरुद्ध तरीके से जब्त किया है, ये राजद्रोह का मामला है। ये घटना पाल दलोनी की है और अभी तक शासन प्रशासन उस मामले में किसी ने कोई कार्रवाई किया नहीं। क्या प्रशासन कब तक की मांग कार्रवाई के लिए बोले हैं? नहीं, अभी तो एसडीएम साहब ने कहा कि हम जो है 25 अप्रैल के अंदर जो है गिरफ्तारी इनकी करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई है। हालांकि हमको विश्वास नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासन इनसे मिला हुआ है। मामला देशद्रोह का है, मामला भारत के संविधान के अपमान का है। ये कैसे हो सकता है कि शासन प्रशासन इसमें 20 दिन का समय ले? आज कोई आम आदमी होता तो उसकी गिरफ्तारी हो गई होती। अगर प्रशासन नहीं अगर गिरफ्तारी करते तो इससे आगे क्या आंदोलन? तो गुंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे संभाग में 25 अप्रैल को एक ही साथ चक्का जाम करेगी, 40,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी होगी। आज गुंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इस क्षेत्र में पांचवी अनुसूची को लागू करने एवं वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया है। और उस संबंध में जब ओड़गी के पाल दलौनी में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके विरोध में आज गुड़वाना गणतंत्र के लोग और उनके पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। आज इनके ज्ञापन पर सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाएगा और जो भी इसमें लीगल बातें होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
चापा कोरबा मार्ग में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में कल देर रात करीब 1 बजे कोरबा की ओर से तेजी से आ रही एक खाली ट्रेलर चापा रोड पर मौजूद पुलिया से नीचे उतर गई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। वही घटना स्थल से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित मकान ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को मार्ग से हटाया। इसके पहले इस मार्ग पर घंटों तक यातायात बाधित रहा। घटना इसमें कुछ नहीं था, इन लोग काली गाड़ी उधर से आ रहा था कोरबा साइड से और यहाँ पर ये घुस गया। ये करीबन 1 बजे रात को ड्राइवर दारू पिया था, पता नहीं दारू पिया था कि कैसा है, वो उतार के एकदम सीधा भागना ही भाग गया। तो घर में बच्चों बच्चों को नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ। देखो यहीं पर ये जम गया, ये आगे नहीं पहुंच पाए और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद दूसरा दिन हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्ला मचा था, यहाँ पर ये ब्रेकर बन गया तो रड़ा रड़ा गड़ा गड़ा करके हम लोग तो वही वाला करके नहीं देख रहे। तो 12-1 बजे कौन देखेगा, वही सिस्टम में हुआ था। बाद में ये हो गया कि बाद में देख रहे हैं तो यहाँ पर गाड़ी घुसा हो। कोरिया जिले के खड़गवा ग्राम में चनवारी टाड़ स्थित महामाया मंदिर जो अपने आप में चमत्कारी है, भक्तों का दुख हरने वाली मां महामाया जो आदिकाल से विराजमान है। चैत्र नवरात्र में 9 दिन मां के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते ही महामाया मंदिर में दूर दूर से भक्तगण आते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मां के दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामना मां पूरा करती है। ग्रामीणों का कहना है कि राजा को सपना आया था और उसके तालाब में मां महामाया का पौराणिक मूर्ति जमीन खुदवाने से मिला। उस समय से ही माता जी की स्थापना की गई और पौराणिक काल से ही इस महामाया मंदिर का चमत्कारी स्वरूप देखने को मिलता है। घी तेल से 9 दिन का अखंड ज्योति भक्तों के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। अष्टमी नवमी दशमी तिथि पर विशेष भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है। चैत्र नवरात्र में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। सबका मानना है कि यहाँ जो भी मांगो पूरी होती है। काफी दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए लोग आते हैं। खरसिया में लंबित मांगों को लेकर आम जनताओं ने डीबी पावर प्लांट के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ एकता मंच के संयोजक रामकुमार यादव, मोहन दीवान व अलार्म जोल्हे ने आसपास के गांव से आए आंदोलनकारी लोगों का सहयोग करते हुए अति शीघ्र मांगों को कंपनी को पूरा करने की बात कही। अगर पूरा नहीं होता है तो यह आंदोलन जारी रहेगा। यहां पर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल अनशन जो चल रही है ये आज दूसरा दिन है जी। इसमें मैं जो है अपना जो है पूरे दल के साथ में समर्थन देने के लिए आया हूँ और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ऐसी समस्याओं को पावर प्लांट जो है यहां पर लगा करके जमीन लोग करके ऐसा लग रहा है कि इन लोग जो है यहां का मालिक बन गए हैं, सरकार भी चला रहे हैं। इस प्रकार के इन लोगों का जो है उदंडता जो मची हुई है, सरकार इसमें तत्काल जो है ध्यान दे करके इसमें निराकरण करे। इनका मांग कोई गलत नहीं है, जायज मांग है। इन लोगों का कहना है जो पानी जो बह रही है और यहां का गंदा पानी जो है प्राकृतिक नाला में जा रही है इसको बंद किया जाए। जो प्राकृतिक पहाड़ है कुर्रू पहाड़ जिसको इस क्षेत्र के लोग जो है अपने जो है मातृ इष्ट देव मानते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसको काटा जा रहा है, उसको बंद किया जाए। इसी प्रकार से जो पाइपलाइन लाए हैं पानी लाने के लिए उसमें किसान का जो जमीन को काट करके ऊपर कर दिया है जिसमें जो है उसको खेती करने के लिए परेशानी जा रही है, उसको समतल किया जाए। नवरात्रि पर्व के प्रारंभ के साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में धार्मिक आयोजनों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में ग्राम दादर खुर्द में सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। सिर में कलश लिए लगभग 251 युवतियों ने कलश यात्रा निकाली जो कि सादा कॉलोनी के शिव मंदिर से शुरू होकर दादर खुर्द के जगन्नाथ मंदिर से होते हुए मां कंकालीन मंदिर में विराम हुआ। इस संबंध में पुजारी ने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में दादर खुर्द, भिलाई खुर्द, झगरहा और गोकुल नगर के श्रद्धालु शामिल हुए। ग्राम दादर खुर्द में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन आज नवरात्रि के पावन पर्व से चालू हो रहा है। यह कार्यक्रम निरंतर चलेगा और आज की कलश यात्रा साडा कालून शिव मंदिर से निकल के ग्राम दादर खुर्द जगन्नाथ मंदिर जाएगी और जगन्नाथ मंदिर से होते हुए माँ कंकालीन दरबार में इनका सतचंडी महायज्ञ के प्रांगण में इनको रखा जाएगा। उसके बाद निरंतर यह कार्यक्रम महायज्ञ के समापन तक रहेगा। उसके बाद अंतिम में
शस्त्र धारा एवं भंडारा का आयोजन रखा। कलश यात्रा में हमने लगभग हमारे क्षेत्र के जितने प्रभावशील ग्राम है दादरपुर, खरमोरा, छगरा, गोकुल नगर और खरमोरा के साथ साथ इलाई खुर्द से होते हुए 251 कलश यात्री हमारे यहाँ से। छत्तीसगढ़ के चुनावी वर्ष का लोक समाधान शिविर का आयोजन चालू हो चुका है। इसी के तहत बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत बंदारी गांव में लोक समाधान शिविर लक्ष्य समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बारी बारी से सभी विभाग से आए अधिकारियों ने लोगों की शिकायत एवं मांग का निराकरण करते हुए विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लोगों के सामने रखा। इस समाधान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक सनम जांगड़े उपस्थित रहे, जिसमें बंदारी के बच्चों ने खेल मैदान का समतलीकरण की मांग की तो विधायक ने जनपद सीईओ को स्वीकृति देने की बात करते हुए खिलाड़ियों को 5,000 का खेल सामान देने की बात भी कही। तो वहीं ग्राम पंचायत सलियाघाट के ग्रामीणों को पीएम आवास नहीं मिलने से बहुत से ग्रामीण लोग दुखी दिखे और कहा कि आज सर्वे सूची और पीएम आवास सूची में नाम होते हुए भी किसी का भी पीएम आवास नहीं बन पाया है। आ रहे हैं जो पीएम यहाँ से हम उनके नाम लिस्ट में नाम आ गई और अभी तक ले मतलब नहीं मिला थे हमला हम दो तीन जगह शिकायत कर चुके हैं एक समस्या का समाधान मतलब विधायक जो भी शिविर माँ सचिव मतलब बोले भी हैं तब ओकर मतलब हम कोई समस्या का समाधान होबे नहीं करा थे और पता नहीं कहा है तो हमारे गाँव अभी तक ले एक तो मतलब पीएम आवास नहीं निकले मतलब है नहीं बनाते शौचालय वाला भी नहीं बनाते। सचिव सरपंच क्या बोलते हैं? सचिव सरपंच अब हो जाए बस बोलते है और बात कोई ध्यान ही दे और कुछ बोलते हैं तो ठीक है और हम दो बार अभी मतलब जो रोजगार जो लगते नहीं तीन दिन के रोजगार सुराज उमा भी हमन मतलब डाल दे हम पौतिल भी रखे है ना और बावजूद भी अब बोलते हैं तो राय का ही एक दो झगड़े बता दी बाकी बस होबे नहीं कराए और पंचायत में भी हमारे जो है ना नाम लिख के रखते हैं कितना आदमी के आएगा के ओकर बावजूद ही वो आज वही कल वही बात बोला थे अब चौथा साल हो गए ना सरपंच पंचवर्षी ला ओकर बावजूद भी कुछ काम नहीं होते। लोक समाधान शिविर आज बंदारी में संपन्न हुए। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी ने लोक सुराज अभियान के माध्यम से 11 मार्च से लेकर 31 मार्च तक या लोक सुराज अभियान पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलना है और हमारे इस बिलाईगढ़ विधानसभा में 20 लोक सुराज के तहत शिविर संपन्न होना है। इसमें आज बंदारी में संपन्न हो रहा है। लोक समाधान शिविर में विभिन्न प्रकार के योजना का लाभ आम लोगों को मिल रहा है जिसको आप लोग अभी देखें। निश्चित ही ये समाधान शिविर में समस्या का निदान हो रहा है, जो समस्या है उसमें निदान करने का प्रयास किया। उसे लोगों में एक उत्साह उमंग है कि लोक सुराज लोक समाधान शिविर में समस्या का निदान हो रहा है। नागपुर भाजपा महिला मोर्चा नागपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष उर्मिला नेताम द्वारा मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के वरांचल ग्राम कोथारी में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि उर्मिला नेताम ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमयन्ते के तर्ज पर कहा कि जहां महिलाओं का मान सम्मान होता है वहां देवताओं की शक्तियां निवास करती हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के द्वारा महिलाओं को आगे लाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अनेक योजनाओं से भी महिलाओं को अवगत कराया। सभा को महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उषा वैष्णव ने संबोधित करते हुए महिला उत्थान की बात कही। इसी क्रम में भाजपा जिला मंत्री जमुना पांडे जी ने बताया कि किस तरह इतिहास से लेकर अभी तक महिला शक्ति का साथ हमारे देश के विकास में रहा है। नागपुर, सेमरा, कोथारी, खरबना, लाई, सरभोग, महाराजपुर, लालपुर, चैनपुर, चौरी दंड, लालपुर, हर्रा, बरबसपुर, मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के जनप्रतिनिधि एवं पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे। आज ग्राम कोथारी में महिला सम्मान समारोह रखा गया है। ये हमारी माताओं बहनों को जागरूक करने के लिए ये वांचल क्षेत्र है और यहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है, तो मैं ये चाहती थी कि मैं हमारी यहाँ की माताओं बहनों को जागरूक करूँ और उनको आगे आने का कुछ अवसर प्राप्त हो, इसलिए यह कार्यक्रम मैं यहाँ रखी। यातायात पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी बड़े भारी वाहनों के बेलगाम रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है।
एक नए मामले में कोहड़िया के पास एक 10 पहिया वाहन ने दर्री निवासी बाइक सवार धनसाय साहू को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना तत्काल संजीवनी 108 के कर्मियों को दिया गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क हादसे में धनसाय के सिर और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। हादसा सीएसबी चौकी अंतर्गत कोहड़िया के निकट हुआ, जहां दर्री की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने दर्री की ओर जा रहे धनसाय को अपनी चपेट में ले लिया। मामले पर पुलिस दुर्घटनाकारित वाहन की तलाश में जुट गई है। घायल धनसाय की हालत स्थिर बनी हुई है। मैं दर्री से आ रहा हूं, सामने में ट्रक रिस, एक गाड़ी रिस स्कॉर्पियो, ओकर सामने में ट्रक रिस, सामने तरफ से विपरीत दिशा से ऐसे 10 पहिया वाला ट्रक, वो पीछे चक्कम मारते थे। और पकड़ नहीं इसका, वो नहीं आए, नहीं आए। चोट कहाँ कहाँ लगे भैया आपने? चोट हाथ लग लगे है, हाथ लग पैर लग सर लग। तो आप अकेला रहा गाड़ी? हाँ, अकेला रहा। कै बजे का बात भैया था अंदाजा? सवा एक 1:30 बजे तक सही विशेष लगे। नगर में हिंदू नववर्ष और नवरात्रि प्रारंभ के अवसर पर शोभा यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज 3 बजे के करीब हिंदू क्रांति सेना की तरफ से भी भव्य शोभा यात्रा सह बाइक रैली निकाली गई। सीतामढ़ी स्थित राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुई यह यात्रा टीपी नगर के नए बस स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। गाजे बाजे और भगवामय इस पूरे यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। जय श्री राम के नारों के साथ सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने जिले और शहरों की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। INN24 आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। YouTube में लाइव टीवी देखने के लिए INN24 से लाइव पर विजिट करें। नमस्कार। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा सिंह बघेल। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप मुझे देख रहे हैं INN 24 पे।